तीन महीने बाद लाजपत नगर में एक मकान दूसरे समुदाय को बेचने का मामला फिर गर्मा गया है। तीन महीने पहले लाजपत नगर में एक साथ तीन मकान दूसरे समुदाय के लोगों को बेच दिए थे, जिसके बाद आसपास के रहने वाले लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया। एक बार फिर लाजपत नगर में इसी तरीके का मामला सामने आया है। लाजपत V810 में रहने वाले आशीष मेहरोत्रा ने अपना मकान दूसरे समुदाय के लोगों को बेच दिया, जिसके बाद लाजपत नगर विकास सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा MDA में आकाश मेघदूत के सामने धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया गया है कि आशीष मल्होत्रा ने एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। साथ ही मकान खरीद फरोख्त में उन्होंने सरकार के टैक्स की चोरी की है, मकान दोगुनी कीमत पर बेचा है। आगे कहा कि वो अपनी रजिस्ट्री वापस ले, वरना इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। किस बात का आपका प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं? हम लोग लाजपत नगर विकास एवं सेवा समिति ट्रस्ट के जुड़े हुए लोग हैं। लाजपत नगर के पूर्व निवासी, जो कि पूर्व में अपने परिवार सहित लाजपत नगर में रहते थे, ऐसे आशीष मल्होत्रा जी, जो कि पिछले 35 और 40 वर्षों से लाजपत नगर में रह रहे थे। हमने पिछले दिनों सभी लाजपत नगर वासियों ने एक प्रण लिया था कि हम कोई भी व्यक्ति अपना मकान या अचल संपत्ति किसी भी गैर संप्रदाय के व्यक्ति को नहीं बेचेंगे। उन्होंने चोरी छुपे तथ्यों को गुमराह करके अपना मकान गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। उन्होंने अपने प्राण को तोड़ा है और हमें लाजपत नगर के निवासियों को एक मझधार की स्थिति में छोड़कर यहाँ पर रहने आ गए हैं। हम यहाँ पर आकाश मेघदूतम में उनके घर के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।